हे हेलो गाइस, मेरा नाम इमरान। आप सभी के लिए फिर से एक नई एक्साइटिंग वाला वीडियो लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हेयर एडिटिंग। तो हम लोग इस बैकग्राउंड को यूज करेंगे, तो इस बैकग्राउंड को हम लोग शेयर कर देंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो हो गया हमारा बैकग्राउंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन, तो हम लोग पहले ही जो बैकग्राउंड का सैचुरेशन को बढ़ा देंगे इफेक्ट पे जाके। ठीक है, सैचुरेशन को बढ़ा दिया। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधा जाएंगे मॉडल की तरफ, जो मॉडल हम लोग ऐड कर लेंगे ऐड फोटो। यहाँ पे देखिए ऐड फोटो के क्लिक करके मॉडल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, मॉडल को हम लोग ऐड कर लिया, तो हमारा जो बैकग्राउंड वगैरह है इरेज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कट आउट टूल्स पे जाके हम लोग को ऊपर ऊपर पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबे हो जाएगा इसलिए हम लोग स्पीड कर देंगे। जो हमारा जो कटिंग है वो हो गया दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग सेव कर देंगे। तो हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, पे एग्जिट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पिक को सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो जो यहाँ पे सनग्लास है वो व्हाइट दिख रहा है, तो इसको हम लोग कलरफुल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक पीएनजी यूज करेंगे, जो आप लोग को ऐड फोटो के अंदर जाके ऐड कर लेना। तो दोस्तों मैं जो भी पीएनजी यूज कर रहा हूँ और बैकग्राउंड यूज किया हूँ, दोनों ही आप लोग को मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला पीएनजी यूज करूँगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कर देंगे, जो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। जो हमारा हो गया है देखिए कितना कूल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे टूल्स पे, टूल्स पे जाके एडजस्ट पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाके इसको हम लोग ब्राइटनेस को कम कर देंगे 41-। ठीक है, उसके बाद रबर वाला टूल पे जाके वाला टूल यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों ऐप पे जाएंगे, इसको हम लोग इतना कर देंगे। ठीक है, हो गया, इसको कर देते हैं सेव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे फिर से टूल्स पे, यहाँ पे एडजस्ट पे जाएंगे, इसको लाइट को बढ़ा देंगे। ठीक है, लाइट को कर देते हैं सेव। देखिए पिक कितना कूल दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे फिर से जो हमारा इफेक्ट पे है उस पर ही जाएंगे दोस्तों। उसके बाद कलर पे जाएंगे, कलर पे जाके इसको बढ़ा देंगे इतना सा। ठीक है, जो हमारा कुछ शार्ट दिख रहा है उसको हम लोग कलर कर लेंगे, हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ब्यूटी स्मूथ वाला इफेक्ट डालेंगे, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे ब्यूटी पे, यहाँ पे स्मूथ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्मूथ होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, लग देंगे 13, उसके बाद कर देंगे सेव। तो जो हमारा हो गया सेव पिक, देखिए। तो हम इस एप्लीकेशन में इतना ही था, तो हम लोग दोबारा एक एप्लीकेशन यूज करेंगे हेयर के लिए। आप लोग तो जानते ही हो ऑटोडिक्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेव। तो दोस्तों फाइनली हो गया सेव, ये आ गया मेरा गैलरी में, तो इसको हम लोग शेयर कर देंगे ऑटोडिक्स एप्लीकेशन में। तो आप लोग को जो भी एप्लीकेशन हमने दोनों यूज किया हो उसको आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक।
वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो देखिए आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए वाला टूल्स पे जाना है, ठीक है, इस पे जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे जो भी टूल्स है, ठीक है, 12 नंबर वाला टूल्स पे ए वाला से जाना, ठीक है। इसको देखिए आप सेटिंग देख लीजिए, यहाँ पर रख दिया है फ्लोर को, लग दिया 19 एम 19, साइज को भी रख दिया 9। इसको हम लोग कर देंगे 11, ठीक है। तो आप लोग को जिधर से देखिए हेयर के ऊपर देखिए ये हेयर किस तरह घुमा हुआ है, ठीक है, ये हेयर जिस तरह घुमा है हम लोग भी वही उसी तरह इसको घुमा देंगे तो हेयर कूल दिखेगा। ठीक है, जो हो गया हमारा हेयर एडिटिंग कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कर देंगे थोड़ा सा हेयर कलर, जो व्हाइट दिखे ना, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, ए वाला कलर्स पे जाना है, यहाँ पे जो भी होगा आप लोग को व्हाइट कलर को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इसको हम लोग इतना कर देंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग ये कर देंगे ड्रॉ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोग को जाना है नीचे, जो 12 नंबर में टूल्स बोला ये वाला, इसको जाना है, इसको आप लोग को थोड़ा सा ये कर देना उसी साइज से, ठीक है, हमारा कितना जो व्हाइट देखे वो कितना लुक दे रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में काम, तो हमारा जो हो गया आज का वीडियो बहुत ही छोटा है दोस्तों, तो आप लोग को सिंपल में ही समझ में आ गया है एक कितना आसान है, ठीक है। तो और भी आसान आसान वीडियो आएगा दोस्तों, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन है इसको भी दबा देना, क्योंकि जब भी कोई हमारा नई वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा।